गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपना टॉपिक चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हमने दो लेक्चर है ना, रिडॉक्स में हमारे दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं है ना, तो उससे अपन आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बात, अपन ने पिछले टर्न पे हेडिंग डाली थी ऑक्सी एसिड है ना बच्चों। अब ये ऑक्सी एसिड क्या है इसको समझाता हूं बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे आईटीजेई का पेपर हो, हमें कन्फर्म क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन था और आईटीजेई में भी क्वेश्चन था बच्चों, इसका क्वेश्चन हर जगह आता है। ये ध्यान, इसका क्वेश्चन हर जगह आता है बच्चों, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट बच्चों ऑक्सी एसिड्स। देखो सबसे पहले, देखो बेटा सुनो, एक एसिड तो मैंने ये लिखा और एक एसिड मैंने ये लिखा, थोड़ा समझने की कोशिश करो इन दोनों एसिड में क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखो बेटा इसमें ऑक्सीजन है बेटा, है बेटा, और पहले वाले में ऑक्सीजन नहीं है, है ना। तो ऑक्सी एसिड सिंपली किसको बोलते हैं, देखो ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है, ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को बोलते हैं, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग जो एसिड है इसमें होगा क्या, देखो बेटा आपका, जैसे अपन क्या लेंगे, देखो सी देखो, जैसे हमारे पास क्या होगा, पास होगा कोई ना कोई नॉन मेटल होगा, ठीक है, और उस नॉन मेटल के साथ जैसे मेटल हो सकता है क्रोमियम या मैग्नीज, उसके साथ बेटा क्या होगा, देखो सुनो, हाँ बच्चों देखो सुनो, तो क्या होगा नॉन मेटल या मेटल, मेटल में भी मेनली क्रोमियम या मैग्नीज मिलते हैं, उनके साथ आपको OH ग्रुप दिखेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसमें कुछ पॉइंट समझते हैं, उन पॉइंट्स को है ना बच्चों ढंग से सुनना। अगर आप पॉइंट्स को ढंग से समझोगे तो ऑक्सी एसिड आपके चुटकियों में वर्ड है ना, एकदम आपको टिप्स पे आ जाएगा, एकदम टिप्स पे आ जाएगा। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अपने क्या करना है बच्चों, देखो पॉइंट नंबर वन, हमारे पास बच्चों दो सफिक्स काम आते हैं है ना। दो सफिक्स बच्चों देखो कौन कौन से काम आते हैं, एक काम आता अस और एक काम आता इक, अस और इक, इसको समझना बच्चों। देखो सुनो, सबसे पहले जैसे मेनली हमारे फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए के ऑक्सी एसिड होंगे हमारे पास, ठीक है बच्चों, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए के, है ना बच्चों। जैसे फिफ्थ ए में भी कौन सा, नाइट्रोजन फास्फोरस, सिक्स्थ ए में सल्फर और सेवन्थ ए में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो बेटा अस कब लगेगा, आपको कब तक लगाना है, देखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट तीन से कम या तीन के बराबर हो, है ना, आपके
आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो, वो 3 से कम या क्या हो, 3 के बराबर हो, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, देखो सुनो, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर एक कब लगेगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा हो जाए। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, अगले में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तक या 4 से कम, और इधर आ जाएगा 4 से ज्यादा। इसमें सुनो, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो बेटा क्या करोगे आप, इसमें अपने को क्या करना है, वापिस वही यहां देखिए बेटा, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ये बात समझ आएगी यहां तक, बोलो बच्चों। आप ध्यान दीजिए बेटा, फिफ्थ ए और सेवंथ ए दोनों में सिमिलर आ रहा है, फिफ्थ ए और सेवंथ ए में सिमिलर आ रहा है बच्चों, है ना। तो याद क्या रखना है, 3 और 4 इनको यूज कैसे करेंगे बच्चों, अभी मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, घबराओ मत, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज और सुन लो, इफ एन एलिमेंट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड देन ऑलवेज यूज इक एसिड। अब देखो बेटा, मान लो एक एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बना पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसके क्या लिखोगे आप, सिर्फ एक लिखोगे, है ना बच्चों। जैसे देखो बेटा, ये जानते हो क्या आप, इस एसिड को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ इस एसिड को क्या बोलते हैं बेटा। कार्बन का ये सिंगल एसिड है, कार्बन का ये सिंगल एसिड है, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड। तो देखो नाम के पीछे हमने क्या लगाया बच्चों, इक लगाया ना, कार्बोनिक एसिड इक लगाया बच्चों मैंने, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, यहां तक समझ में आ गई बात, अगर एक एलिमेंट केवल एक, ये तो हो गया पॉइंट फर्स्ट। फिर देखिए बच्चों पॉइंट सेकंड की बात करते हैं, तो देखो बेटा आपके ये तो हो गए सफिक्स। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं प्रीफिक्स की, है ना। अब बात कर रहे हैं बच्चों अपन प्रीफिक्स की, ठीक है। तो प्रीफिक्स की बात अगर अपन करें तो देखो बेटा, प्रीफिक्स कैसे, सुनो क्या क्या काम आएगा, हाइपो मेटा पाइरो और पर, ये 4 प्रीफिक्स बहुत ढंग के, हाइपो मेटा पाइरो एंड पर। अब देखो बेटा क्या करना है, अगर मुझे हाइपो यूज लेना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, सुनना ढंग से, हाइपो लगाने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन हटा दो, ठीक है। मेटा के लिए क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल लोगे और उसमें से वाटर हटा दोगे। पाइरो के लिए बच्चों 2 मॉलिक्यूल लोगे और H2 हटा दोगे। देखो मेटा और पाइरो, ध्यान से ध्यान सुनो, मेटा में एक मॉलिक्यूल से वाटर हटा रहे हो और पाइरो या डाई में 2 से हटा रहे हो बच्चों। मेटा में एक मॉलिक्यूल से और डाई और पाइरो में 2 से हटा रहे हैं बच्चों। पर मैं देखो क्या होगा, ये 2 जगह काम आएगा, एक तो काम आएगा बच्चों देखो परऑक्साइड बॉन्ड के लिए, और एक काम आता है बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अभी मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा बच्चों आपको, है ना, अभी मैं इसको आपको अप्लाई करके बताऊंगा, घबराओ मत। एक बार इन पॉइंट्स को फटाफट ढंग से आप पढ़ लीजिए, इन पॉइंट्स को ढंग से पढ़ लीजिए,
पढ़ लिया बच्चों? ये मैंने पॉइंट सारे पढ़ा दिए है ना। अब देखो बेटा, अपन एक एक के एक पॉइंट और लिख देता हूं। देखो बच्चों सुनो, एक पॉइंट और है, सुनो बेटा। पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड पॉइंट सुनिए क्या कहता है थर्ड पॉइंट। देखो, एनाइन ऑफ इक एसिड, आपको क्या लेना है? एनाइन ऑफ इक एसिड। तो क्या करेंगे बच्चों, है ना, एनाइन ऑफ इक एसिड में क्या करना है आपको बच्चों? नाम लगाना है एट, ठीक है, और ऑफ अस एसिड उसमें लगाना है आइट। ये दो चीजें और ध्यान रखनी है बच्चों अपने को, है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अपन वन बाय वन कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं नंबर वन, केस फर्स्ट। देखो बच्चों, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों बताओ, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? ऊपर देखो, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? फिफ्थ ए, दिख रहा है बच्चों, नाइट्रोजन फिफ्थ ए का है। अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले ध्यान से सुनना। मैंने लिया बच्चों HNO3, लिया बच्चों, यहां देखिए, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन का वन, नाइट्रोजन का एक्स, तीन ऑक्सीजन है, -6। तो बोलो बच्चों, एक्स की वैल्यू 5 आ गई क्या? एक्स की वैल्यू 5 आ गई क्या? अब एक बार बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ कि हमने नाइट्रोजन वाले में क्या लिख रखा है? नाइट्रोजन वाले में क्या लिख रखा है बच्चों बताओ? कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 3 है तो सफिक्स क्या लगेगा बच्चों? सफिक्स क्या लगेगा? इक लगेगा क्या? तो बच्चों ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। हो गया बच्चों, इसका नाम समझ में आ गया? इसका नाम हो गया बच्चों नाइट्रिक एसिड। हो गया क्या? हो गया बच्चों। अब देखो, अगर आप इसका एनाइन बनाते हो NO3-1, तो इस NO3-1 को क्या बोलोगे? एक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे बच्चों? एट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? को बोला जाएगा नाइट्रेट आयन। बोला जाएगा बच्चों? बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए बच्चों, HNO2। देखो ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक्स, दो ऑक्सीजन, -4। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू 3 आई। अब बताओ, जब 3 या लेस देन 3 हो तो क्या लगेगा? अस लगेगा। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड। हो जाएगा बच्चों नाइट्रस एसिड हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, NO2-1, NO2-1, बताओ क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा बच्चों नाइट्राइड आयन। हो गया बच्चों नाइट्राइड आयन, हो गया, क्लियर है। अब देखो बच्चों सुनो, एक बेटा एक एसिड आता है हाइपो नाइट्रस एसिड। ये बच्चों हाइपो वर्ड कब लगेगा, कौन बताएगा? ये हाइपो वर्ड कब लगेगा बताओ? हाइपो कब लगाते हैं? जब ऑक्सीजन हटा देते हैं। तो देखो बेटा सुनो, हमने क्या किया, हमने बच्चों ये लिया HNO2, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दी, ये मिल गया HNO। बोलो बच्चों ये मिल गया क्या? अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये किस फॉर्म में मिलता है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। ये डाइमर की फॉर्म है। डाइमर का मतलब समझते हो? जस्ट इसका डबल। देखो बच्चों,
H2N2O2, डबल किया ना, H2N2O2। बोलो बच्चों, देखो स्ट्रक्चर, देखो इसकी ये हुई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला समझ में आ गया। बोलो बच्चों, फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये हो गए नाइट्रस। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं अपन। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? केस फर्स्ट में किसी को डाउट है? आगे चलें बच्चों, केस सेकंड लेते हैं बच्चों। देखो बेटो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड लेते हैं बच्चों अपन, ठीक है ना। तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड समझो बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना, आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। देखो बेटा, एक होता है HClO, है ना, एक बार मैं नाम लिखता हूं, देखो बेटा HClO, फिर HClO2, HClO3 एंड HClO4, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ये निकालनी है बच्चों अपने को, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहां इसकी आती है 1, 3, इसकी आती है 5 और इसकी आती है 7, ठीक है। ये निकालनी सिखाई है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी को कोई डाउट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है बच्चों, सबको आता है, पड़ोसी की कसम। बोलो बच्चों, पड़ोसी की कसम, पक्का, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ, अभी अपन कौन सा ग्रुप लेके चल रहे हैं बच्चों? 7th A, ये लेके चल रहे हैं बच्चों, है ना। अब देखो बेटा, 7th A में जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 or less than 3 है तो अस लगेगा, और ग्रेटर देन 3 है तो इक लगेगा। बच्चों बताओ, है ना। तो अब देखो बेटा, इसका नाम कैसे देंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो बेटा, HClO2 है, दिख रहा है HClO2, दिख रहा है HClO2, ये 3 है ना, तो मैं इसको बोलता हूं बच्चों क्लोरस एसिड, बोल सकता हूं क्या इसको? क्लोरस एसिड बोल सकता हूं क्या? ओके। अब देखो अगला जो है 5 वाला, 5 बोलो बच्चों, 3 से ज्यादा है ना, 5 3 से ज्यादा है, तो इसके नाम में क्या लगेगा? नाम में इक लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब देखो बेटा, इन बचे हुए 2 को समझते हैं। मुझे बताओ, जब आप इधर आए हो तो आपने बच्चों क्या किया बताओ? आपने क्या किया? ऑक्सीजन को हटाया ना, ऑक्सीजन को हटाया। तो बच्चों जब ऑक्सीजन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? चेक करो क्या लिखा हुआ प्रीफिक्स, हाइपो लिखा हुआ बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बच्चों हाइपो क्लोरस एसिड, हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो समझ आया बच्चों क्यों लिखा? अब देखो बेटा सुनो, जब अपन यहां से यहां गए, है ना, तो हमने हमने बच्चों क्या किया? ऑक्सीजन को जोड़ा, हमने ऑक्सीजन को जोड़ा बच्चों, जोड़ा बच्चों। अब बताओ, मुझे बताओ, ऐसा करने पर, है ना, आप ये भी कह सकते हो कि पर को आप ऐसा भी समझा सकते हो, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऐसे भी समझा सकते हो। और वैसे देखो, इसकी हाईएस्ट आ गई बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा परक्लोरिक एसिड। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है ये नोमेनक्लेचर, समझ में आ गया? जो मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे थे वो अगर आपने ढंग से सुने हैं तो आराम से हो जाएगा बच्चों।
क्लियर है सबको? आगे चलूं बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो ढंग से सुनना। देखो इसका ये एनायन बनेगा, एच निकाल दूं। इसका देखो बेटा ये एनायन बनेगा और इसका ये एनायन बनेगा और इसका ये एनायन बनेगा। बन गया बच्चों? ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिए इनके एनायन बना दिए। अब बच्चों बताओ, हाइपोक्लोरस एसिड के एनायन का क्या नोमेनक्लेचर होगा? बताओ हाइपोक्लोरस एसिड के एनायन का नोमेनक्लेचर बताओ। हाइपोक्लोराइट हो गया बच्चों। देखो ये हो गया हाइपोक्लोराइट आयन। अगले का बताओ, अगले का बताओ, क्लोराइट। अगले का बताओ, इक वाले का क्लोरेट हो गया बच्चों। अगले का बताओ, चलो परक्लोरेट। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें बच्चों। हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, जैसे ये क्लोरीन के हैं, ऐसी ब्रोमीन के हो सकते हैं और ऐसी आयोडीन के हो सकते हैं। ब्रोमीन का होगा तो हाइपोब्रोमस, ब्रोमस, ब्रोमिक, पर ब्रोमिक एसिड। आयोडीन का होगा तो हाइपो आयोडस, आयोडस, आयोडिक एंड पर आयोडिक एसिड। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई? समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, अब एक मैं बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आप लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा था, है ना? जिन बच्चों ने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हो, घबराए नहीं, बॉन्डिंग अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है, देखो बेटा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? तो देखो बेटा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बनती है, इसकी दो बनती है, इसकी तीन बनती है और इसकी चार बनती है। अल्ले, ये समझ में आया? कैसे याद रखोगे? जितनी ऑक्सीजन है ना, उतनी बोल दो। देखो बेटा, उस आयन में जितनी ऑक्सीजन है, सीएलओ माइनस में एक ऑक्सीजन, सीएलओ टू माइनस में दो, सीएलओ थ्री माइनस में तीन एंड सीएलओ फोर माइनस में, बोलो कितनी है बच्चों? चार है ना? है बच्चों? समझ में आया क्या? आ गया बच्चों? पक्का? अब मुझे बताओ, ये तो हो गया बच्चों नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिस बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, घबराओ नहीं, केमिकल बॉन्डिंग मैं बॉन्डिंग वाली क्लास में कराऊंगा, उस टाइम आपको अच्छे से बता दूं, ठीक है ना? अभी आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ नहीं ध्यान रखना, टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो, उतनी आरएस बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जानते हो बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हो, जानते? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं बच्चों दो एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं, दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं, है ना बच्चों? जैसे देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, बोलो बच्चों, है कि नहीं है? इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस होता है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है। आपको क्या करना है बच्चों? टोटल बॉन्ड काउंट करो। तो बेटा सीएलओ माइनस में एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है बच्चों। अगले में तीन है, अगले में पांच है और अगले में सात है। ये बॉन्ड काउंट कर पाए क्या? अरे बॉन्ड काउंट कर पाए क्या? लास्ट वाले में देखो सेवन क्यों भाई? देखो बेटा, ये दो बॉन्ड है, ध्यान दीजिए, ये दो बॉन्ड है, तो दो यहां है, दो चार, दो छह और एक सात, बोलो बच्चों, ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, मैंने ऊपर वाले में लिख दिया कॉलम में, एक मिनट, नीचे वाले में लिखना था बेटा। तो देखो वन थ्री फाइव सेवन, ये तो मैंने अभी बॉन्ड लिखे। अब देखो बेटा क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है इनकी रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर से, इसे डिवाइड कर देना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। देखो बेटा क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आरएस, है ना बच्चों, ये समझा रखा हूं। जैसे देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, ये बेटा मैंने ये लिया है, ले रखा है बेटा, एक बात बताओ बच्चों, नेगेटिव के बाद सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है, नेगेटिव के बाद सिंगल और डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो देखो बेटा, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, आ सकता है बच्चों, आ सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होते देखो बेटा क्या मिल गया आपको, ये बन गया क्या, ये बन गया बच्चों। मुझे एक बार बताओ बच्चों, ये समझ में आया, कितनी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनी, ये बनी, इसको वापस आप यहां लाओगे तो देखो वापस फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या, वापस पहले वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों। अरे ये पता है ना सबको, ये सबको आता है क्या? हाँ बच्चों सुनो, जिस बच्चे को नहीं आता है वो वेट करें केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ, इसमें देखो बेटा ये जो बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड। तो देखो बेटा पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम कौन रहा है बच्चों बताओ, घूम कौन सा बॉन्ड रहा है, पाई बॉन्ड, और कितने एटम के बीच, कभी इस सीएलओ के बीच में, कभी इस सीएलओ के बीच में, दो के बीच में घूम रहा है। तो देखो बेटा आप बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते हो, सिग्मा तो फिक्स है और जो ये पाई बॉन्ड है ना वो दो के बीच में घूम रहा है। तो बच्चों बताओ टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, बोलो बच्चों टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 1+1/2, 3/2 आ गया क्या? अरे 1+1/2, देखो बेटा हमने क्या किया, 3/2 तो किया। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, देखो देखो बेटा इसमें जैसे ये नेगेटिव है, ये यहां से यहां जाए तो यहां जा सकता है बच्चों, देखो ऐसा कर सकते हैं बच्चों अपन, फिर देखो ये यहां से यहां जा सकता है, तो देखो बेटा क्या हो गया, ये ऐसा बन सकता है। अगर आपको रेजोनेंट स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आ रही है ना, आप एक चीज बताओ एकदम अच्छे समझना, मुझे बताओ इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कितनी है, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कितनी है, दो है, और सिंगल बॉन्ड वाली कितनी है, सिंगल बॉन्ड वाली कितनी है, एक है। अगला बताओ इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड वाली कितनी है, वापिस दो, सिंगल बॉन्ड वाली एक है। इस क्लोरीन के साथ बताओ बच्चों डबल बॉन्ड वाली दो, सिंगल बॉन्ड वाली है बच्चों, तो सारी स्ट्रक्चर एक ही तो जैसी है ना, अरे एक ही तो जैसी है, कभी मैंने इधर डबल बॉन्ड बना दिया, कभी मैंने उस तरफ बना दिया, कभी नीचे बना दिया, अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चो। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं, तो देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड तो घूम नहीं रहा, अभी कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं कौन बताएगा, पाई बॉन्ड कितने, कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, देखो बेटा एक पाई बॉन्ड यहां रहा और एक पाई बॉन्ड यहां रहा, कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है ना, दो पाई बॉन्ड कितनों के बीच घूम रहे हैं, दो पाई बॉन्ड तीन बॉन्ड के बीच में घूम रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा, क्या मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों, तो कितना आ गया बताओ, 5/3 आ गया क्या, देखो आपने 5/3 लिखा है। अब आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगे उससे निकालो आप, तो समझ में आ गया, अरे बच्चों को समझ में आया क्या, बोलो कुछ समझ में आया बच्चों, किसी को डाउट है क्या, रोहन क्या डाउट है बोल बेटा, रोहन डाउट बोलो अपना,
अच्छा ओके। अब देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, होता क्या बेटा, अपन बॉन्डिंग में एक चीज पढ़ते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है ना बच्चों, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसकी, है ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रही है बात? जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपके पास ये चार आयन है, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, है ना, क्लोरेट एंड परक्लोरेट। बताओ, बोलो बच्चों, कौन सा एनाइन मोस्ट स्टेबल है? बोलो बच्चों, परक्लोरेट ना, है ना बच्चों, है बच्चों परक्लोरेट। अब मुझे बताओ, जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है या कम बनता है? बताओ बच्चों, जो चीज स्टेबल है वो ज्यादा बनती है ना बच्चों, स्टेबल चीज हमेशा ज्यादा बनती है। एक बात बताओ बच्चों, परक्लोरेट आयन जब बनना है तो उसके लिए क्या हटना जरूरी है? उसके लिए क्या हटना जरूरी है? H प्लस। तो किसमें H प्लस फटाफट हटेंगे, तेजी से, रैपिडली? बोलो बच्चों, किस एसिड में हटेंगे? बोलो HClO4 में हटेंगे। अब मुझे एक बात हो बच्चों, क्या हाइपोक्लोरस एसिड में तेजी से हटेगा क्या? हाइपोक्लोरस एसिड में तेजी से हटेगा क्या बच्चों? नहीं हटेगा ना, नहीं हटेगा। तो जब हटेगा ही नहीं तो मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वीक हुई? वीक एसिड कौन सा हुआ? हाइपोक्लोरस। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हुआ? परक्लोरिक एसिड। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ऑफ एसिड। इज इट क्लियर? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ऑफ एसिड। तो बच्चों क्या मैं ऐसा इजीली बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, क्या इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आ गई बच्चों? बोलो बच्चों, आ गया, आ गया बच्चों सबको समझ में? ये बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जो जेई में तो 3-4 बार आ चुका और नीट में कोई 10-1 बार आ चुका क्वेश्चन नहीं है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, क्लियर है सबको? आ गया, चलिए। अब देखो बेटा सुनो, एक और बेटा पढ़ाता हूं मैं। देखो बेटा मुझे बताओ, बॉन्ड इजीली कौन सा टूटता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो या जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो? बताओ, मेरे हाथ में एक लकड़ी है और मेरे हाथ में 10 लकड़ी है, किस गट्ठर को इजीली तोड़ू, एक वाले को या 10 वाले को? बताओ, एक वाले। तो जहां बॉन्ड आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो जल्दी टूटेगा ना। तो मुझे बताओ, किस एनाइन का आपका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? बोलो बच्चों, CLO- का, HClO किसका होगा बच्चों? दिख रहा है, CLO- में सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 1 है। अब एक बात हो बच्चों, जब किसी ने ऑक्सीजन दी तो वो काम किसकी तरह करता है बच्चों? बोलो बेटा, काम किसकी तरह करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना। आपने ऑक्सीजन दी तो वो ऑक्सीजन जब उसमें जाके जुड़ेगी तो उसका ऑक्सीडेशन करेगी ना। अरे आपने अगर किसी को ऑक्सीजन दी तो किसी और में जाके जब जुड़ेगी तो उसका क्या करेगी वो? उसका क्या करेगी बच्चों? बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन। तो मुझे बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे अच्छी किसकी है? बताओ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे अच्छी किसकी है?
कौन सा बॉन्ड इजीली टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड HCl वाला टूट रहा है ना बच्चों, अरे टूट रहा है ना, टूट रहा है बच्चों। तो देखो बेटा अपन क्या कह सकते हैं, अपन देखो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बच्चों, ईज ऑफ ऑक्सीजन, ये बात सुनाई, बोलो बच्चों। भी मैंने क्या बोला, या क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है बेटा, एक ही बॉन्ड है, यहां कितने हैं 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना, यहां 1 है और यहां 1.5 है। अगले में देखो बच्चों और बढ़ गया 5/3, अगले में और बढ़ गया क्या बच्चों। अब जितने ज्यादा बॉन्ड बनते जाएंगे दो एटम के बीच में, तो ऑक्सीजन का रिलीज होना क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का रिलीज होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो इजीली ऑक्सीजन कौन देगा, इजीली ऑक्सीजन कौन देगा बोलो, हाइपो वाला देगा, HClO देगा, तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट कौन हुआ, हुआ बच्चों। तो देखो हमने क्या लिखा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और अपन कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, है ना। और अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बोलो बच्चों बोल सकते हैं। तो देखो बेटा अगर अपन की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ऑर्डर आएगा बच्चों, ये आएगा, आएगा क्या बच्चों, HClO क्यों आया समझ में आया, HClO क्यों आया समझ में आया क्या बच्चों। देखो बेटा ये दोनों ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन ये कभी भी टपक सकता है, ये कभी भी टपक सकता है। क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है क्या बोलो, आगे चलूं, अब आगे चलूं बच्चों, ठीक है चलिए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब लेते हैं बच्चों अपन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। अब बेटा मैं सल्फर के ऑक्सी एसिड ले रहा हूं, बहुत अच्छे समझना। देखो बेटा कुछ बॉन्डिंग के अगर मैं पॉइंट बता रहा हूं, तो जिस बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा ना वो घबराए नहीं, अभी मॉर्निंग वाले बैच में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे अपन, मैं वापिस वहां पर रिपीट कर दूंगा, है ना। अभी आप नोमेनक्लेचर सीखो इसका बेटा। अब देखो ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखो यहां क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर, है ना, वो हमेशा बच्चों sp3 होगी, है ना। सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना वो हमेशा क्या आएगी बच्चों, sp3 आएगी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, बात अगर अपन करें टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग मुझे बताओ बच्चों, sp3 का मतलब पी के तो सारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए ना बच्चों, पी के सारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, तो क्या पी पाई बॉन्ड बन सकता है, क्या पी पाई बन सकता है, सल्फर का तो पी बचा ही नहीं, तो बताओ फिर सल्फर क्या यूज में लेगा, तो फिर सल्फर क्या यूज में लेगा, डी लेगा ना, पी जब खत्म हो गया तो एस के बाद पी, पी के बाद डी, तो क्या आएगा टी पाई पी पाई, तो टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग समझ आएगी बच्चों। अब देखो बेटा फिर क्या, ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर
डोनेट 2H+ आयन। सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड है ना बच्चों, वो हमेशा और हमेशा कितने H+ आयन देंगे आपको, 2H+ आयन देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखो बेटा, सुनो, इसका मतलब इस पॉइंट से जोड़ो कि बेटा आपके क्या होंगे, आपके 2SOH bond will always there। बोलो बच्चों, जब आपको 2H+ चाहिए तो 2OH ग्रुप होंगे ना, तभी तो मिलेंगे बच्चों। बोलो बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या at least 1S double bond O will be there, है ना, and maximum S double bond O are 2 for per sulfur atom, है ना। आपके कम से कम एक S double bond O हो सकता है, ठीक है, और एक सल्फर एटम पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे। एक तो होगा ही होगा, लेकिन 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे। अब देखो बेटा, ये मैंने पॉइंट लिख तो दिए, अब अपन 1 by 1 लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, सुनो, ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को अपन बोलते हैं बच्चों ऑयल ऑफ विट्रोल, और इसी को बोलते हैं बच्चों किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, अभी मुझे क्विन मिली नहीं, इसकी राइन रानी मुझे अभी मिली नहीं है बच्चों, ठीक है ना, रानी नहीं है, सिर्फ किंग ही है। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2SO4 होता है बच्चों, H2SO4 होता है बच्चों, बोलो, ये तो जानते हो। अच्छा, एक पॉइंट और सुनो बेटा, जिस एसिड के नाम में एक एसिड आता हो, उस एसिड का, उस एसिड को है ना, उस एलिमेंट का मोस्ट कॉमन एसिड बोला जाता है बच्चों। क्या बोला, सुना, जिस एसिड के नाम में एक एसिड आता हो, है ना, वो बेटा उस एलिमेंट का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड होता है। तो बताओ, सल्फर का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन हुआ बच्चों, बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ नाइट्रोजन का, बताओ नाइट्रोजन का, बताओ नाइट्रोजन का, बताओ नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस का बताओ, फास्फोरस का बताओ, फास्फोरस का बताओ बच्चों, फास्फोरिक एसिड होता है बच्चों, फास्फोरिक एसिड। अब देखो बेटा सुनो, देखो बेटा, मैंने सबसे पहले सल्फर लिख लिया, मैंने क्या बोला था, हर सल्फर पर 2OH होंगे, हर सल्फर पर 2OH होंगे, लगा दिए मैंने 2OH। अब बताओ, जब मैंने 2OH लगा दिए, तो अब इस फॉर्मूले में और क्या बच रहा है, H2SO4 में अब क्या बच गया, कितनी ऑक्सीजन रह गई, 2 रह गई। उन दोनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे बेटा, जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे। अब देखो बेटा सुनो, इसमें ध्यान दीजिए, देखो इसको सिग्मा बोलते हैं, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये। तो मुझे बताओ बच्चों, इस सल्फर पर कितने सिग्मा बॉन्ड हुए बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए क्या, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड जब हो गए तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई बच्चों, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गई, sp3। अब देखो बेटा सुनो, sp3 का मतलब, देखो बेटा इसको ऐसे समझो कि हुआ क्या, कि आपने ये तो चीजें काम में ले ली हाइब्रिडेशन में, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। देखो ये s, ये p और ये d, ये तो आपके काम आ चुके, ये तो काम आ गए। आगे बच्चों, अब मुझे बताओ, अब हमें पाई बॉन्ड भी तो बनाना है ना, पाई बॉन्ड भी बनाना है, तो अब बच्चे बताओ कि पाई बॉन्ड किससे बनाऊंगा, एस और पी तो आपके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो पाई बॉन्ड बनाने में क्या काम में लूंगा, डी ऑर्बिटल,
तो देखो बेटा मैं कह सकता हूं दो पी पाई डी पाई बॉन्ड हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे बच्चों डी पाई पी पाई बॉन्ड हो जाएंगे क्या, समझाया बच्चों? ओके अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड से दो एच प्लस निकाल दूं तो ये मिला मुझे, ये मेरा बच्चों एसओ फोर माइनस टू। एक काम करते हैं अपन पूरा अलग से लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं रुको। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है H2SO4 है बच्चों। अब बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? देखो दो हाइड्रोजन है 2 × 1 सल्फर का X, चार ऑक्सीजन है बच्चों तो -8 तो X की वैल्यू 6 आ गई बच्चों। ये 6 4 से ज्यादा ना बच्चों, 6 बच्चों 4 से ज्यादा है ना। देखो बेटा हमने क्या लिखा था, सल्फर के केस में जब 4 से ज्यादा हो तो क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे बच्चों, तो मैंने एक ही लगाया तो नाम समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसमें से 2H प्लस हटा दूं तो बेटा क्या मिला, सल्फेट आयन मिला, मिला बच्चों। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके एनाइन को क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, सल्फेट आयन बोल देंगे क्या, बोल देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए मेरे पास ये H2SO4 है, इसमें से एक ऑक्सीजन मैंने हटा दी, हटा दी बच्चों। हटाने के बाद मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई H2SO3 आ गई। अब ध्यान दो बेटा सुनो, यहां सल्फर का और यहां सल्फर का, यहां सल्फर का आ रहा है बच्चों +6 और यहां आ रहा है +4। मुझे बताओ जब +4 है तो क्या लगेगा, +4 है तो अस लगेगा, लगेगा बच्चों, लगेगा क्या, +4 है तो अस लगेगा। तो अब देखो बेटा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों सल्फ्यूरस एसिड होगा, वाक नहीं हुआ बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड हो गया ना, बोलो बच्चों हो गया। अब देखिए बेटा अब आगे सुनिए, इस H2SO3 को स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो बेटा ये सल्फर लिया, कितने OH जोड़ने, इससे कितने OH जोड़ने हैं बच्चों बताओ, कितने OH, कितने जोड़ेंगे बच्चों, दो, ये दो OH जोड़ दिए मैंने, जोड़ दिए। अब बताओ अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास क्या बच गया बच्चों, एक ऑक्सीजन, उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दूं और एक बेटा इस पे इस तरह से लोन पेयर बच गया, बच गया बच्चों, बोलो बेटा बच गया क्या, बोलो। देखो एक बात ध्यान से सुन लेना, आपको नोमेनक्लेचर करना है तो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, कोई ऐसे मत कर देना कि ये सल्फ्यूरिक एसिड था तो इसको हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, अरे ये मत कर देना, समझ आया? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहां चली गई इसकी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 या उससे कम आ गई तो फिर बच्चों एक मत लगा देना, फिर 80 लगेगा, समझ रहे हो क्या? ये पॉइंट इसीलिए लिखा है मैंने। अब देखो बेटा सुनो, तो मुझे बताओ इस सल्फर पे देखो बेटा क्या है, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 1 पाई है ना, इसमें बेटा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो हाइब्रिड क्या है बच्चों, sp3 आ गई क्या, sp3 आ गई, बोलो बच्चों। तो जो एक पाई बॉन्ड बना हुआ है वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा बच्चों बताओ, वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा डी पाई पी पाई से। अब सुनो बेटा अगर मैं इससे ये 2H प्लस हटा दूं, हटा दिए, अगर मैंने इससे 2H प्लस हटा दिए है ना, तो अब बताओ अब इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा,
अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा बच्चों? देखो अस एसिड है ना, तो अस एसिड को क्या बोलेंगे? अस एसिड वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों सल्फाइड आयन, बोलेंगे बच्चों सल्फाइड आयन बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। ये दो ऑक्सी एसिड समझ में आ गया बच्चों, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताएं क्या दिक्कत है बॉन्ड ऑर्डर। ये ले ये बन गया बेटा सल्फाइड आयन। अब मुझे बता अब होगा क्या कि इसमें सिग्मा बॉन्ड तो मूव नहीं कर रहा, वो तो वहीं रहेगा। मूव कौन कर रहा है? एक पाई बॉन्ड, और कितनों के बीच में मूव करेगा? तीन के बीच में, तो कितना हो गया देख ले, कितना आ गया 4/3 आ गया ना, आ गया क्या समझ में सल्फाइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर? अरे गार्गे शर्मा हो गया बच्चों। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नंबर थ्री। नंबर मैं क्या कर रहा हूं अच्छे से समझना मेरी बात को। देखो मेरे पास ये H2SO4 है बेटा, इसमें क्या कर रहे हैं? देखो इसमें से एक ऑक्सीजन हटाएंगे और उसकी जगह सल्फर जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों समझ आ रहा है? क्या कर रहे हैं? एक ऑक्सीजन हटा रहे हैं और उसकी जगह सल्फर जोड़ रहे हैं। तो देखो बेटा इसका मतलब सल्फर जो पहले एक थी वो कितनी हो गई? बोलो बच्चों, सल्फर जो एक थी वो कितनी हो गई? दो। और जो ऑक्सीजन चार थी वो कितनी हो गई? वो तीन हो गई। होगी बच्चों, सो क्या बोलेंगे? H2S2O3 बोलेंगे बच्चों। अब देखो बेटा जब भी आप एक्स्ट्रा सल्फर जोड़ोगे ना, तो उसके लिए हम हमेशा थायो लगाते हैं, है ना? सल्फर के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, जब भी आप एक्स्ट्रा सल्फर जोड़ोगे तो उसके लिए लगाओगे बच्चों थायो। जैसे नाइट्रोजन के लिए एजा लगता है, AZA, सल्फर के लिए लगता है बच्चों थायो। इसका नाम क्या होगा देखो बेटा सुनो, थायो क्या लगेगा बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या बोला हमने? इसका नाम हमने बोला थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको इसकी स्ट्रक्चर समझना बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने एक काम किया, हमने H2SO4 की स्ट्रक्चर बना दी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक बात दो बच्चों, क्या किया? इस ऑक्सीजन को हटाया और इसकी जगह मैंने ये सल्फर लगा दिया। लगा दिया बच्चों, लगा दिया। अब बहुत अच्छे से समझना बेटा मेरी बात को। सबसे पहले बताओ इस सल्फर के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? बताओ बच्चों, इस सल्फर के पास चार सिग्मा बॉन्ड है क्या? तो अगर चार सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो गया sp3 है बच्चों। अब बताओ बेटा इस सल्फर के पास, बताओ बॉक्स वाले सल्फर के पास बताओ एक सिग्मा है बच्चों, और कितने लोन पेयर है? कितने लोन पेयर है बच्चों? दो लोन पेयर है। तो एक सिग्मा और दो लोन पेयर, बोलो बच्चों हाइब्रिड स्टेट क्या आई? sp2 आई ना, आई बच्चों, आ गई। अब मुझे बताओ एक बात बताओ बेटा, sp3 और sp2 किसकी ईएन ज्यादा होगी? बोलो बच्चों sp3 और sp2 में से किसकी ईएन ज्यादा होगी? sp2 की होगी क्या? कैसे पता लगा? देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये sp3 है और ये sp2 है, तो मुझे बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो देखो बेटा कैसे करोगे? इसमें एक ही एस है ना, और टोटल ऑर्बिटल चार है। बोलो बच्चों आप मुझे बताओ sp3 में एक एस ऑर्बिटल है और टोटल चार है,
एस का एक पी के तीन, sp2 में क्या है, एस का एक पी के दो, तो टोटल तीन। तो मुझे बताओ ये 25% हुआ और ये 33.33% हुआ। ज्यादा एस करेक्टर किस में हुए, ज्यादा एस करेक्टर sp2 हुए बच्चों। अब देखो एक बात सुनो, आपके पास जितने ज्यादा एस करेक्टर, आप न्यूक्लियस के पास चले गए या दूर चले गए, बोलो बच्चों। एस करेक्टर जितने ज्यादा हैं आप न्यूक्लियस के उतने ही पास चले गए। जो न्यूक्लियस के जितना पास चला गया, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ कि sp3 वाला सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा या sp2 वाला खींचेगा, बोलो बच्चों। sp2 वाला खींचेगा ना, पक्का? सबको समझ में आया बच्चों, बोलो बेटा, आया सबको समझ में? तो अब देखो बेटा सुनो, एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसकी अपन है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो बेटा ये -1, ये +1, -1 +1, -2 +2, -2 +2। तो देखो बेटा एक सल्फर की आई +6 और एक सल्फर की आई -2, बोलो बच्चों आगे कि नहीं आगे। एक सल्फर की +6, एक सल्फर की -2, ये बात समझ में बच्चों, बोलो बेटा क्लियर है, आ गया समझ में पक्का? तो अब बताओ अगर मैं एक काम करूं, देखो अगर मैं इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से निकालता H2S2O3 को, बेटा दो हाइड्रोजन है 2 × 1, दो सल्फर है 2x, तीन ऑक्सीजन है -6, तो बच्चों बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई ना, x की वैल्यू 2 आई। अब बेटा अगर आप ध्यान दो ना, तो ये बेटा ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों। कैसे, देखो आप अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वैसे निकालो, एक सल्फर +6 वाला है, एक सल्फर -2 वाला है, टोटल दो सल्फर है बच्चों, तो देखो कितना आया, 4/2, यानी 2 आया कि नहीं आया, सुना है बच्चों, ये सबको समझ में आया, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुन, तो हमने पढ़ लिया ये थर्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है बच्चों, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, नाम समझ में आ गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे बताओ, देखो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से 2H हटा दिए तो ये एनाइन बना, इस एनाइन का नाम बताओ, इस एनाइन का नेम बताओ, क्या नाम देंगे बच्चों, इसका नाम पड़ जाएगा बच्चों थायो सल्फेट आयन, पड़ेगा बच्चों थायो सल्फेट आयन। अब देखो बेटा सुनो, इसका ना एक सोडियम सोल्ट लेते हैं बच्चों, इसका क्या ले रहे, सोडियम सोल्ट H2O3, इसको क्या नाम देंगे बच्चों बताओ, सोडियम थायो सल्फेट देंगे बच्चों। इसका जो कॉमन नेम है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपो, HYPO, इसको बोला जाता है हाइपो, क्या बोलते हैं बच्चों हाइपो। और ये जो हाइपो है ना बेटा, इसका यूज किस में होता है, यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूज्ड इन फोटोग्राफी, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बच्चों। आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, उसका एच हटाया और दो सोडियम लगा दिए, तो सोडियम थायोसल्फेट, इसी सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं, और इस हाइपो का यूज अपन क्या करते हैं बच्चों, फोटोग्राफी में करते हैं।
है बच्चों, तो देखो ये हो गया थर्ड। थर्ड के बाद अपन चलते हैं बच्चों फोर्थ पर। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये H2SO4 है बेटा, इसमें मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन जोड़ दी। अब मुझे बताओ क्या बन जाएगा, H2SO5 बन गया। बन गया बच्चों, बन गया क्या, बन गया बच्चों, बोलो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहां ये जो है ना, ये आपने क्या किया, इसका नाम है बच्चों देखो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, और इसका नाम है बच्चों पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या इसको पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं क्या, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड बच्चों, बोलते हैं क्या बच्चों। ये देखो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको एक दो दिन पहले किया था, ये देखो ये बड़ा बच्चों दिख रहा है आपको, ये किया था मैंने एक्सप्लेन, परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलो बच्चों, और कैरोज एसिड बोला था, अरे बताया बच्चों। तो देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है इसको परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो बेटा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपने इसकी जब स्ट्रक्चर बनाई तो स्ट्रक्चर में ये वाली चीज आ गई, इस चीज क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, इस चीज को क्या बोलते हैं। देखो ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, कौन सी लिंकेज है ये, परोक्साइड लिंकेज, याद है। और परोक्साइड लिंकेज जब आ जाता है तो हमने क्या बोला था कि नेम में हम क्या लगाएंगे, पर लगाएंगे, क्या पर लगाएंगे, अगर परोक्साइड लिंकेज आ जाएगी तो पर लगाएंगे बच्चों, बोलो बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका नाम हो गया परोक्सी, परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है क्या, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, आ गया समझ में। अब एक चीज बताओ बच्चों, इसके अंदर ये क्या है, ये बच्चों परऑक्साइड लिंकेज है ना। अच्छा अगर बेटा मैं इसका एनाइन बनाता हूं 2H+ हटा के, इसके एनाइन को क्या बोला जाएगा बताओ, इसके एनाइन को क्या बोला जाएगा, परोक्सी या परोक्सी मोनोसल्फेट, जो आपकी इच्छा है ना बच्चों, क्या बोलेंगे देखो इसको, इसको बोलेंगे बच्चों परोक्सी मोनो सल्फेट आयन, बोलेंगे बच्चों। अब देखो अपन आगे चलते हैं बेटा, ये लिया बेटा मैंने, फिर देखो ये लिया मैंने, ये बात हो बच्चों, मैंने H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं बताओ बच्चों, दो लिए, और दो लेके मैंने यहां से ये क्या निकाल दिया बताओ बच्चों, दो मॉलिक्यूल लेके मैंने यहां से क्या निकाल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया बच्चों। निकालने के बाद देखो बेटा क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है क्या बच्चों। अब देखो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप दो मॉलिक्यूल लेकर क्या करते हो, दो मॉलिक्यूल लेके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हो तो क्या लगेगा, डाई या पायरो लगेगा बच्चों, डाई या पायरो, बोलो बच्चों लगेगा क्या। तो देखो बेटा इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे बच्चों अपन, देखो क्या, पायरो
सल्फ्यूरिक एसिड है ना, या और क्या नाम देंगे, और क्या नाम देंगे, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या नाम देते हैं बच्चों इसको, इसको नाम देते हैं ओलियम, वेरी गुड, इसको ओलियम भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, पहले इसमें भी निकाल देते हैं बेटा, इसमें छूट गया था, ये प्लस वन माइनस वन प्लस वन, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, देखो बेटा क्या आ गया, ये आ गया आपके पास प्लस सिक्स आ गया क्या। अब इसमें भी आ जाओ बच्चों, इसमें निकालो, देखो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, बोलो बच्चों इसका भी कितना आया, प्लस सिक्स आ गया क्या, और इधर इसका भी प्लस सिक्स आ जाएगा क्या। इतना सबको समझ में आया बच्चों, बोलो बेटा क्या इतना सबको समझ में आया, क्या आ गया पक्का, ठीक है बेटा। अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास आ गया H2S2O7, एक काम करते हैं, देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट H2S2O7, इसमें मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ दी, अब मैं बेटा क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, बच्चों बताओ, जैसे ही मैंने जोड़ा, जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा, इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या बन गया बच्चों बताओ, कौन सी लिंकेज आ गई, कौन सी लिंकेज आ गई, देखो बेटा ये बन गया H2S2O8, और ये क्या आ गए बच्चों, ये आ गए इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज आ गए बच्चों, और ये क्वेश्चन अभी आया था बेटा NEET 2020, ये क्वेश्चन अभी आया था बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन अभी आया था, बताऊं आपको, चलो मैं कल इसकी वो पीडीएफ लेके रखूंगा, बताऊंगा, ये भी आया था बेटा क्वेश्चन। अब देखो बेटा सुनो, ये परोक्साइड लिंकेज बन गई, बन गई बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा था, अब देखो इसका नाम क्या देंगे, ध्यान से सुनना, इसको नाम देंगे बच्चों, देखो अपन पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो बच्चों पर ऑक्सी क्यों बोला, क्या इतना सबको समझ में आया, पर ऑक्सी क्यों बोला, इतना सबको समझ आया, अच्छा डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला, डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला, ये भी समझ आया क्या, आ गया बच्चों, देखो दो सल्फर है, ठीक है, तो अब देखो अगर आप इसकी सल्फर की निकालते हो, देखो माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, बोलो बच्चो कितना आ जाएगा, प्लस सिक्स आ जाएगा क्या, आ जाएगा बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, इस एसिड का एक बड़ा खतरनाक नाम है ना, इस एसिड को मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं बच्चों, इस एसिड को क्या बोला जाता है, मार्शल एसिड भी बोलते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया, अरे बच्चों समझ में आया, तो बताओ किस किस में परोक्साइड लिंकेज हुई, बोलो बच्चों किस किस में परोक्साइड लिंकेज हुई, दो आए देखो बेटा,
मार्शल एसिड के अंदर और केरोज एसिड के अंदर, ये दो आए ना, केरोज एसिड एंड मार्शल एसिड, एक केरोज है एक मार्शल है, यानी एक सी है और एक एम है, सीएम है बच्चों, सीएम चीफ मिनिस्टर के अंदर आपकी परोक्साइड लिंकेज है बच्चों, समझ में आ गया, बोलो बच्चों आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर अपन बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, देखिए मैं इसको समझाता हूं, नेक्स्ट लेते हैं अपन, देखो बेटा ये था H2S2O7, ये बच्चों इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, हटाने के बाद देखो बेटा ये स्ट्रक्चर बन गई बच्चों, हमने देखो क्या किया, ध्यान दो, ये बीच वाली ऑक्सीजन हटा दी मैंने, हटा दी तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, तो बच्चों देखो ये क्या बन गया, ये बन गया H2S2O6 बन गया बच्चों। अब देखो बेटा, अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट समझनी है अपने, है ना, तो देखो बेटा क्या समझेंगे, -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1 और सल्फर सल्फर के कारण तो जीरो ही आएगी ना बच्चों, सल्फर सल्फर के कारण तो जीरो ही आएगी ना, तो देखो यहां सल्फर की क्या आ रही है, +5 आ रही है, और इधर भी सल्फर की +5 आ रही है। अब बच्चों बताओ ये +5 आ रही है, तो जो आ रही है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या लगेगा, इक लगेगा या अस लगेगा, बोलो बच्चों इक या अस, चार से ज्यादा है ना, चार से ज्यादा है तो इक ही लगेगा। अब देखो इसका नाम सुनना बच्चों, इसका नाम है डाइथायोनिक एसिड, क्या नाम है, डाइथायोनिक, डाई क्यों बोला बच्चों, कितनी सल्फर दिख रही है बच्चों बताओ, कितनी सल्फर दिख रही है, दो दिख रही है, दिख रही है बच्चों, अच्छा तो डाई सल्फर दो है तो थायो, और इक क्यों लगा ये समझ में आ गया बच्चों, इक क्यों लगा समझ में आ गया क्या, आ गया, अच्छा एक बात हो बच्चों, इसके एनायन का क्या नाम होगा, बोलो बच्चों इसके एनायन का क्या नाम होगा, डाइथायोनेट, इसके एनायन का नाम हो जाएगा डाइथायोनेट, हो गया बच्चों, हो जाएगा, ओके समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, इस डाइथायोनिक एसिड में दो चीजें करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, देखो कैसे, मैंने क्या किया इसमें से दो ऑक्सीजन इस तरह से हटा दी, ये हटा दी, देखिए मैंने हटा दी। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, अब अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -2 + 2 हो गया बच्चों -1 + 1, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, सल्फर की ऑक्सीडेट क्या आई, प्लस थ्री आ गई बच्चों, यहां भी देखो -2 - 1 + 1 आ गई बच्चों, प्लस थ्री आ गई ना, ये 4 से कम है बच्चों, ये 4 से कम है बच्चों, 4 से कम है क्या, तो अब बताओ 4 से कम है तो अब इसके नाम में क्या आएगा, अब इसके नाम में क्या आएगा, अस आएगा, इसका नाम होगा देखो डाइथायोनस एसिड होगा, अच्छा इसके एनायन का नेम बताओ, इसके एनायन का नेम बताओ, इसके एनायन का नेम बताओ, डाइथायोनाइट आइट लगेगा। अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान रखना, ये थायो तभी लगाओगे, थायो तभी लगाओगे जब सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड हो, नहीं तो मत लगा देना,
देखो ऊपर वाले में हमने इसमें थायोनिन लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सल्फर सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। अब देखो बेटा सुनो, मैं इसमें क्या करता हूं, मैं एडिशनल दो सल्फर और जोड़ देता हूं, जोड़ दूं बच्चों, जोड़ दी बेटा। अब बच्चों इसका मैंने नाम बोला टेट्रा थायोनिक एसिड, टेट्रा थायोनिक। बोलो बच्चों समझ आया, टेट्रा थायोनिक एसिड। टेट्रा क्यों बोला, टेट्रा क्यों बोला? चार सल्फर है। अब देखो बेटा सुन, -2 +2, -2 +2, -1 +1, है ना बेटा? तो ये सल्फर आया +5 वाला, ये सल्फर भी आएगा 5 वाला, ये आएगा 0 वाला, ये आएगा 0 वाला। तो एक बार बच्चों देखो, आईआईटी जेई में एक क्वेश्चन आया था कि टेट्रा थायोनिक एसिड में सल्फर की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, एक 5 है और एक 0 है। ये 0 समझ में आएगी क्या बच्चों? अरे 0 समझ में आएगी क्या? मुझे बताओ इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कितने का आया, 5 और 0, डिफरेंस कितने का आया बच्चों? 5 का आया ना। ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी जेई में पूछा जा चुका है कि सल्फर की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें डिफरेंस बता दो। तो क्या आप डिफरेंस बता सकते हो बच्चों? क्या आप डिफरेंस बता सकते हो? बोलो बच्चों, है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया H2S2O4, इसका हो गया देखो बेटा H2S4O6, है ना बच्चों? विश्वजीत 0 क्यों हुआ? अभी तक समझ नहीं आया, सल्फर के दोनों तरफ क्या है, सल्फर नहीं है, है विश्वजीत? अरे सिमिलर टाइप के एटम है ना मेरे भाई। हाँ भैया, अब देखो सुनो, हो गया। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, इस टेट्राथायोनिक एसिड में अगर मान लो मैं ये बना दूं, बच्चों बताओ इसका नेम बताओ, Na2S4O6, कौन बताएगा Na2S4O6 का नेम बताओ, नेम बताओ Na2S4O6 का। एनाइन बन गया ना, इसके एनाइन का नेम बताओ बच्चों। देखो ये नाम होगा बच्चों सोडियम टेट्रा थायोनेट, होगा बच्चों सोडियम टेट्रा थायोनेट, होगा बच्चों। अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में बताओ कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है। बोलो बच्चों कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है, 3 है ना बच्चों? बोलो इसमें नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड्स 3 है बच्चों, है बच्चों? आपने क्या देखा, टोटल सल्फर कितनी है बच्चों, टोटल सल्फर कितनी है, 4, और सल्फर सल्फर बॉन्ड 3 है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मान लो आपका पॉली थायोनिक एसिड हो बच्चों, तो पॉली थायोनिक एसिड में अपन मान लीजिए इस तरह से इसमें सल्फर जोड़ते जाएं, ठीक है? मैं बोलता हूं कि बच्चों टोटल एन सल्फर हो, है ना? तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ SS बॉन्ड कितने होंगे? बोलो बच्चों N-1 होगा। रिया पूनिया तूने बेटा पढ़ाई की नहीं, एक बात बता, तूने जब इसका नाम लिखा तो क्या लिखा था? रिया पूनिया, रिया पूनिया इसका नाम क्या लिखा था तूने? सुन रही है क्या पूनिया?
एल्यूमिनियम सल्फेट, तूने ये तो नहीं बोला डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट, ये क्यों नहीं बोला? एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट क्यों नहीं बोला? जब भी एनाइन आपका क्या हो, सिंपल हो, तो अपन नंबर यूज नहीं लेते बेटा। जब भी एनाइन सिंपल हो तो अपन उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए कुछ भी यूज नहीं लेते, ठीक है? चलो बच्चों इतना पढ़ना, अपन कल इससे और आगे कुछ अच्छे फंडे सीखेंगे बेटा, ठीक है?